केजरीवाल की पहली प्रतिक्रिया सामने आई। अरविंद केजरीवाल का वीडियो सामने आया है, मैं अंदर रहूं या बाहर मेरा जीवन देश को समर्पित है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली से एक तरफ अरविंद केजरीवाल की राव जिमनी कोर्ट में पेशी चल रही है, उनके वकील अभिषेक मनु सिंघवी कोर्ट में तमाम जिरह कर रहे हैं। दूसरी तरफ एक प्रतिक्रिया सामने आई है अरविंद केजरीवाल की, क्या कुछ कहा है सुना दिया। तो ये वीडियो आप देख सकते हैं, ये वीडियो बताया जा रहा है कि जब ईडी के अधिकारी राव जिमनी कोर्ट लेकर पहुंचे थे अरविंद केजरीवाल को, तब का ये वीडियो है जिसमें अरविंद केजरीवाल साफ तौर पर कहते हुए नजर आ रहे हैं कि मेरा जीवन देश के लिए समर्पित है। तो आज राव जिमनी कोर्ट में अरविंद केजरीवाल की पेशी हो रही है, जिसमें ईडी की तरफ से तमाम सारे वो सबूत भी कोर्ट में पेश किए गए हैं जिनको लेकर अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की गई है। और राव जिमनी कोर्ट जब अरविंद केजरीवाल पहुंचे थे उस दौरान उनकी एक प्रतिक्रिया थी जो आपको मैंने सुनाई, जिसमें वो कहते हुए साफ नजर आ रही हैं कि मेरा जीवन देश के लिए समर्पित है। तो राव जिमनी कोर्ट में इस वक्त पेशी चल रही है, पेशी में अरविंद केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से तमाम सारी दलीलें दी जा रही हैं। वहीं ईडी की तरफ से अभी तक जो सबूत हाथ लगे हैं जिनको लेकर अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है पूछताछ के लिए, वो तमाम सारे सबूत भी कोर्ट में रखे जाएंगे और माना जा रहा है कि 8 से 10 दिन की रिमांड की मांग ईडी की तरफ से की जा सकती है। तो कल दिल्ली से सीएम हाउस से अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई थी, करीब 7 बजे ईडी के अधिकारी सीएम हाउस पहुंचे थे, 2 घंटे घर में तलाशी ली गई, तमाम दस्तावेज खंगाले गए और उसके बाद अरविंद केजरीवाल का फोन ईडी के अधिकारियों ने, हमारी आम आदमी पार्टी ने पहले करवाई थी दिल्ली के भीतर, और ये इस शुमारी में उनको उनका दावा था कि दिल्ली की जनता ने कह दिया है कि अरविंद केजरीवाल अगर जेल जाते हैं तो जेल से ही वो सरकार चलाए। तो उसके बाद आम आदमी पार्टी के तमाम बड़े नेता यानी ईडी की गिरफ्तारी के बाद वही बात आम आदमी पार्टी के नेता मंत्री विधायकों ने कहना शुरू कर दिया कि अब ये सरकार केजरीवाल की सरकार जेल से चलेगी, लेकिन जेल से किस रूप में चलेगी, कैसे चलेगी, उसी को लेकर एक बड़ी बैठक अरविंद केजरीवाल के आवास पर थोड़ी देर के बाद शुरू होगी। और इस बैठक में कहा जा रहा है कि हो सकता है कि अरविंद केजरीवाल के परिवार से भी कोई सदस्य मौजूद रहे। तो मोहित राज दुबे को आप लोग सुन रहे थे कि किस तरह से वहां पर जिरह चल रही है। राव जिमनी कोर्ट में अभिषेक मनु सिंघवी तमाम सारी दलीलें कोर्ट में पेश कर रहे हैं, दलीलें रख रहे हैं। दूसरी तरफ ईडी के अधिकारी भी 10 दिन की रिमांड की मांग कर रहे हैं, जिसमें तमाम सारे सबूत रखे जा रहे हैं ईडी के अधिकारियों की तरफ से। अभी तक क्या कुछ उनके हाथ लगा है दिल्ली में शराब घोटाले को लेकर, वो तमाम सारे सबूत कोर्ट में रखे जा रहे हैं और रिमांड की मांग की जा रही है। तो आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर, शराब घोटाले में कल अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई थी। और जलेसी से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर आपको बता दें, राव जिमनी कोर्ट में सुनवाई जारी, अभिषेक मनु सिंघवी ने रखा केजरीवाल का पक्ष, मनी ट्रेल गिरफ्तारी का आधार कैसे, सिंघवी की तरफ से ये कोर्ट में जगह की गई है। गिरफ्तारी के समय नियमों का पालन नहीं हुआ, पहली बार एक पार्टी के टॉप नेता गिरफ्तार किए गए हैं। अब केजरीवाल की तरफ विक्रम चौधरी दलील दे रहे हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि राव जिमनी कोर्ट में अरविंद केजरीवाल की पेशी चल रही है और इस दौरान तमाम सारी दलीलें अरविंद केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से रखी जा रही कोर्ट में। उन्होंने कहा कि मनी ट्रेल गिरफ्तारी का आधार कैसे हो सकता है, गिरफ्तारी के समय नियमों का पालन नहीं किया गया, पहली बार एक पार्टी के टॉप नेता को गिरफ्तार किया गया है जिसमें नियमों का पालन नहीं किया गया, ये दलीलें कोर्ट में रखी जा रही है अभिषेक मनु सिंघवी के द्वारा। अब केजरीवाल की तरफ विक्रम चौधरी भी दलील दे रहे हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, राव जिमनी कोर्ट में इस वक्त पेशी चल रही अरविंद केजरीवाल की और अरविंद केजरीवाल की तरफ से इस केस को लड़ने वाली अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से तमाम सारी दलीलें कोर्ट में रखी जा रही हैं। उन्होंने कहा कि एक पार्टी के टॉप नेता को गिरफ्तार कर लिया जाता है, नियमों का पालन नहीं किया जाता है और गिरफ्तारी का आधार मनी ट्रेल कैसे हो सकता है, पूरा मामला क्या है वो भी आपको समझाते हैं ग्राफिक्स के जरिए। सीबीआई ने कथित भ्रष्टाचार के मामले में पहली एफआईआर दर्ज की थी, उसी के बाद मामला
बढ़ता गया। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप की जांच शुरू की। जांच के दौरान तीन बड़े नेताओं की गिरफ्तारी हुई थी। और 2021-22 के लिए दिल्ली में आई नई आबकारी नीति से जुड़ा पूरा मामला। नई पॉलिसी में करप्शन के गंभीर आरोप आम आदमी पार्टी पर लगे थे। विवादित पॉलिसी को रद्द करने का आदेश आया था और 17 नवंबर 2021 को दिल्ली सरकार ने नई शराब नीति लागू की थी। 8 जुलाई 2022 को चीफ सेक्रेटरी ने अनियमितता को लेकर रिपोर्ट दी। उसके बाद 30 जुलाई 2022 को नई शराब नीति को रद्द किया गया। 17 अगस्त 2022 को सीबीआई ने मामले में केस दर्ज किया था और उसके बाद 19 अगस्त 2022 को सिसोदिया के घर पर सीबीआई की रेड हुई। 17 अक्टूबर 2022 को सीबीआई ने मनीष सिसोदिया से भी पूछताछ की। सीबीआई ने मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया था 26 फरवरी को। फिर 4 अक्टूबर 2023 आप नेता संजय सिंह को ईडी ने गिरफ्तार किया। 30 अक्टूबर 2023 अरविंद केजरीवाल को ईडी का पहला समन भेजा गया। वही केजरीवाल की गिरफ्तारी पर बोले अन्ना हजारे, केजरीवाल को आगे कोई सलाह नहीं दूंगा। अन्ना हजारे की तरफ से बड़ा बयान सामने आया। केजरीवाल ने मेरी बात नहीं मानी, हमने शराब का पहले भी विरोध किया था। अन्ना हजारे की तरफ से बड़ा बयान सामने आया है केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद। अन्ना हजारे का साफ तौर पर कहना है कि आगे से कोई भी सलाह केजरीवाल को नहीं दूंगा। और शराब के बारे में हम लोग आवाज उठाया था, आज वो शराब नीति बना रहा है, इससे मुझे दुख हुआ। लेकिन करेगा क्या, सत्ता के सामने कुछ नहीं कर सकते। आखिर उसको जो अरेस्ट किया गया, अटक हुआ, वो उनके प्रति से हुआ। तो अन्ना हजारे को आप लोग सुन रहे थे। अन्ना हजारे का साफ तौर पर कहना है कि जब दिल्ली में शराब नीति की पॉलिसी लाई गई थी, उस दौरान अन्ना हजारे ने उसका विरोध भी किया था, मना भी किया था, लेकिन उसके बाद भी अरविंद केजरीवाल नहीं माने थे और दिल्ली सरकार ने नई शराब नीति को लागू किया था 17 नवंबर 2021 को, जिसके बाद ही पूरा बवाल शुरू हुआ था, पूरे मामले की जांच शुरू हुई थी। अब अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद अन्ना हजारे ने साफ तौर पर कहा है कि अब आगे से कोई भी सलाह अरविंद केजरीवाल को मैं नहीं दूंगा। केजरीवाल ने मेरी बात नहीं मानी है, हमने शराब का पहले भी विरोध किया था, लेकिन अरविंद केजरीवाल नहीं माने। तो आपके कितने नेता रडार पर हैं? मनीष सिसोदिया आप नेता गिरफ्तार हैं, जो कि जेल में है इस वक्त। संजय सिंह आप नेता गिरफ्तार, वो भी इस वक्त जेल में है, उनसे भी पूछताछ की जा रही है। कुलवंत सिंह आप नेता ईडी के रडार पर है, जिनसे ईडी के अफसर पूछताछ कर सकते हैं। अरविंद केजरीवाल जो कि कल ही शाम को गिरफ्तार हुए हैं सेवाओं से, तो इस वक्त राव जुबरी कोर्ट में पेशी के दौरान तमाम सारी दलीलें अरविंद केजरीवाल की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी दे रहे हैं कि एक पार्टी के टॉप लीडर को, एक मुख्यमंत्री को जिस तरह से ईडी ने गिरफ्तार किया गया, उसमें नियमों का पालन नहीं किया गया। ये सारी दलीलें कोर्ट में रखी जा रही हैं और मनी ट्रेल को आधार बनाकर कैसे गिरफ्तारी की जा सकती है, ये दलीलें अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से कोर्ट में दी जा रही। अब ईडी की तरफ से क्या कुछ कोर्ट में पेश किया जाता है। अभी तक चूंकि 10 बार अरविंद केजरीवाल को समन भेजा गया था, कल ईडी के अफसर 7 बजे के आसपास अरविंद केजरीवाल के घर पहुंचे, यानी कि सीएम हाउस पहुंचे। वहां से 2 घंटे ईडी के तमाम अधिकारी अरविंद केजरीवाल से पूछताछ करते रहे। इसके अलावा घर में मौजूद तमाम दस्तावेजों को खंगाला। उसके बाद ईडी के अधिकारियों ने अरविंद केजरीवाल का फोन जब्त कर लिया। फिर गिरफ्तारी हुई अरविंद केजरीवाल की। अब आज राव जुबरी कोर्ट में पेशी हो रही है। दूसरी तरफ अगर बात करें तो अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद लगातार आपके कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन भी देखने को मिल रहा है। चंडीगढ़ मोहाली में भारी संख्या में आज आम आदमी के पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जमकर प्रदर्शन किया है। दिल्ली में भी कई आम आदमी पार्टी के नेताओं की गिरफ्तारी हुई है। सौरभ भारद्वाज और आतिश की गिरफ्तारी हुई है। लगातार इस तरह से गिरफ्तारी को लेकर ये लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। तो क्या कुछ कोर्ट में आज होता है, ये कुछ ही देर में साफ हो जाएगा, क्योंकि ईडी की तरफ से कम 8 से 10 दिन की डिमांड की मांग की जाएगी कोर्ट में। तो अभी तक ईडी के यहां जो जो सबूत लगे हैं, उन तमाम सारे सबूतों को कोर्ट में पेश किया जाएगा, उसी को ईडी अपना आधार बनाएगी। कोर्ट में यह दलील दी जाएगी कि इस मामले में अरविंद केजरीवाल से पूछताछ जरूरी है।